الآخر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا وقال سبحانه وتعالى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين انتهائي قابل احترام علماء اعظم بہت ہی عزت کے لائق سفید ریش بزرگوں انتہائی قابل شفقت و محبت زندہ و پائندہ دل نوجوان بھائیوں معززات محترمات خواتین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدارتی کلمات کے لیے میرے فاضل بھائی مولانا محمد اکرم حافظہ اللہ فاضل جامع ابی بکر کراچی نے مجھے یاد کیا اور اگر آپ اپنی توجہ پوری طرح سے میری طرف رکھیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ آج کی اس نشست کے اندر نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک خاکہ کہ دنیا رحمت عالم کی آمد سے پہلے کہاں کھڑی تھی آپ کے آنے کے بعد کیسے زمین کی گہرائیوں سے اٹھ کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گئی آپ علیہ السلام جس صدی کے اندر تشریف لائے ہیں اس صدی میں ایک طرف روم کی حکومت تھی دوسری طرف ایران کی حکومت تھی تیسری طرف ہمارا بر صغیر کا اور ہندوستان کا علاقہ ہے اور چوتھی طرف خود سعودی عرب کا علاقہ ہے ایک ہلکا سا جائزہ اگر آپ لیں تو ہم سعودی عرب کے پڑوس سے روم کی حکومت کا تذکرہ کیے دیتے ہیں یہ عیسائیوں کے پاس تھی ایران کی حکومت مجوسیوں کے پاس تھی اور انڈیا یا ہندوستان کی بر صغیر کی حکومت معمول کے مطابق ہندوؤں کے پاس تھی اور عرب کا جو علاقہ تھا وہاں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں تھی قبائلی جس طرح ہمارا نظام ہے اس طرح وہاں نظام پایا جاتا تھا جس کے پاس طاقت جس کی لاٹھی اسی کی بھینس یہ ایک جنگل کا راج تھا جو وہاں پہ نافذ تھا یہ اہم وہ چار علاقے اور خطے ہیں جن کا ہم نے مختصر جائزہ لینا ہے سب سے پہلے ہندوستان کو لیجئے
यहाँ के बदनाम जमाना कानून मनु शास्त्र के अंदर आज भी ये बात लिखी हुई है कि अल्लाह ने नऊज़ु बिल्लाह चार इंसानों को, चार क्लासेस को, चार तबकात को चार हिस्सों के अंदर पैदा किया। कुछ लोगों को उस जात ने अपने मुंह से पैदा किया, वो ब्राह्मण है। कुछ को अपने बाजुओं से पैदा किया, वो खत्री है। कुछ को अपनी रानों से पैदा किया, वो वेश है। कुछ को अपने पांव से पैदा किया, वो शूदर है। लिहाजा पैदा होते ही इंसानों की चार जातें होती हैं। कुछ ब्राह्मण होते हैं, कुछ खत्री होते हैं, कुछ वेश होते हैं, कुछ शूदर होते हैं। और इन चारों के अंदर कैरेक्टर को देखे बगैर, सदाकत को देखे बगैर, इल्म को देखे बगैर, तकवा को देखे बगैर, सलाहियत को देखे बगैर, किरदार को देखे बगैर, इन चारों के अंदर इतना फर्क है कि ब्राह्मण जात से ताल्लुक रखने वाला शूदर जात के एक इंसान को अगर मार दे तो उसके लिए मारना ऐसे ही जायज है जैसे इंसानों के लिए चमगादड़ को मारना जायज है। आज भी ये अल्फाज कुंदा और तहरीर है कि अगर शूदर जात से ताल्लुक रखने वाला कोई नीच ब्राह्मण जात से ताल्लुक रखने वाले किसी ब्राह्मण के बराबर बैठने की कोशिश भी करे तो उसके सुरीनों को आग लगा के दागा जाए कि वो नीच जात के शूदर तुझे जुरत कैसे हुई कि तू ब्राह्मण जात से ताल्लुक रखने वाले इंसान के बराबर बैठ गया। अगर वो उसके खिलाफ जुबान खोले तो जुबान को तालू समेत खींच के बाहर निकाला जाए। शूदर जात से ताल्लुक रखने वाला अगर ये समझ बैठे कि मैं ब्राह्मण जात के किसी शख्स को पढ़ा सकता हूं तो खोलता हुआ तेल उसके दिमाग के ऊपर डाल दिया जाए। अगर वो उसकी आंखों के सामने आंखें उठाए तो उसकी आंखें खींच के निकाल दी जाए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुर्बान जाइए जब बर्रे सगीर में रहमत आलम का कलमा नहीं पहुंचा था तो जातों की इतनी तकसीम थी। आज रहमत आलम के साए के नीचे बर्रे सगीर के अंदर यह तसव्वुर खत्म हो चुका है। हम इकट्ठे बैठे हैं तो ये रहमत आलम की जात की बरकत है। यहां अगर जातों की तकसीम नहीं है तो ये कौनैन के ताजदार की रहमत का वो साया है जो पूरी दुनिया के ऊपर फैला था। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, ये तो इनकी माशरती सूरत हाल है, ये इनकी सोसाइटी है, ये इनका सोशल स्टेटस है और सोशल लेवल है। माशरती तबका बंदी, दर्जा बंदी और क्लासिफिकेशन और तकसीम है। इनके मजहब को देखें तो आज भी बकायदा तौर पर खुद हिंदू मुसन्निफ लिखते हैं 33 देवताओं से बात शुरू हुई थी और इमाम कायनात की आमद से पहले वो 33 करोड़ हो गए थे। हत्ता के आज भी हिंदुस्तान के बास इलाकों के अंदर ऐसे बुत पाए जाते हैं जिनको लंगम और यूनी के नाम से याद किया जाता है और उस दौर के अंदर वो कसीर तादाद में थे। माहिरीन आज भी इस बात पे मुत्तफिक हैं, लंगम और यूनी के बुत वो बुत थे जिनका नाम लेते हुए पेशानी अरक अलूद होती है, आंखें शर्म से झुक जाती हैं, इंसानियत की किरदार पे कीचड़ उछलता है, शर्म सी आती है उसको बयान करते हुए भी। वो लोग जिनको औलाद नहीं मिलती थी मर्द के मखसूस अजा बना के, उनके बुत बना के, औरत के मखसूस अजा बना के लंगम और यूनी के अंदाज में जालिम ब्राह्मण खत्री वेश और शूदर इस बर्रे सगीर के अंदर उनकी पूजा किया करते थे और उसको इबादत का दर्जा हासिल था। बात को आगे बढ़ाते हैं,
बर्रे सगीर से थोड़ा आगे चले जाएं, चले ये तो वो लोग थे जिनके पास कहा जाता है कि आसमानी तालीमात नहीं थी, अगरचे इसके अंदर भी एक इख्तलाफी नोट पाया जाता है। उस इलाके की तरफ चले जाएं जो अपने आप को ईरान कहता था, जो अपने आप को किसरा कहता था, जो अपने आप को पर्शिया कहता था, जो अपने आप को अपने अहद की एक अजीम ममलकत शुमार किया करता था, और उनके अंदर गुरूर और तकब्बुर इस हद तक भरा हुआ था कि किसरा की जो सल्तनत थी तब तक बादशाह अपने तख्त के ऊपर नहीं बैठता था जब तक उसके सर के अपोजिट अढ़ाई मन सोने का ताज नहीं लटका होता था। अढ़ाई मन सोने का ताज, मुरस्सा जुड़ा हुआ, मुनक्कश खूबसूरत तिलाई जंजीर के साथ सोने की बारीक जंजीर से बांध के लटकाया जाता। बादशाह बैठता तो यूं लगता जैसा कि इसने सर के ऊपर रखा है। जब उसकी दहलीज के ऊपर कोई शख्स दाखिल होता तो उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकता था जब तक वो बादशाह सलामत को पहले सजदा नहीं किया करता था। और बाकायदा उन्होंने अपने कानून के अंदर ये बात लिख रखी थी कि ये जो बादशाह होते हैं, नाऊज़ु बिल्लाह फुम्म नाऊज़ु बिल्लाह, इनकी रगों के अंदर खुदा का खून होता है। लिहाजा उनके अलावा, उनकी नस्लों के अलावा देखें कैसे एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, इंसानों का इस्तेहसाल, इंसानों का जुल्म, राया को कैप्चर करने के अंदाज, इंसानों को लूटने के नारे और उसकी मजहबी सपोर्ट के अंदाज किस तरह के ईजाद थे। इनकी रगों में खुदा का खून दौड़ता है। इनकी नस्लों के अलावा कोई और बादशाह नहीं बन सकता। हत्ता कि अगर बादशाह की नस्ल में जवान जिंदा ना रहा तो ऐसे भी तारीख बताती है कि 7 साल के बच्चे को बादशाह बना दिया गया। ईरान का एक बादशाह है यजदगर दोम, सिर्फ उस खजालत और शर्मिंदगी का एक नक्शा खींचना मकसद है। उस यजदगर दोम जालिम ने पूरे ईरान के अंदर बरसरे आवाम अपने तख्त के ऊपर बैठे हुए, ईरानी राइटर लिखता है फारसी जुबान में, ईरान बाहदे सासानिया और उसके अंदर तहरीर करता है कि यजदगर दोम जालिम शख्स ने अपनी बेटी के साथ निकाह किया हुआ था और वो ईरान का बादशाह था। बहराम शोबी एक और जालिम दरिंदा है, ये भी ईरान का बादशाह है और इसने अपनी हकीकी बहन के साथ शादी रचा रखी थी। बल्कि ईरान का एक बदनामे जमाना मुफक्किर फिलोसफर जिसको मानी के नाम से याद किया जाता है, उसकी एक पूरी तहरीक थी, एक पूरी मूवमेंट थी, एक पूरे का पूरा उसका नजरिया था। और वो ये कहता था कि औरतों के साथ गलत मामलात करना बिल्कुल ऐसे ही जायज है जिस तरह चारा पानी और आग जहां मिल जाए उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, चारे को खाया जा सकता है, पानी को पिया जा सकता है, आग को तापा जा सकता है और उससे जिस्म को गर्माइश पहुंचाई जा सकती है। उस जालिम शख्स ने इसको नजरिया बना दिया कि बिल्कुल इसी तरह किसी की इज्जत को जहां चाहे लूटा जा सकता है। और उसकी तहरीक के अंदर उबाश गुंडे नौजवान बदमाश लफंगे जानी शराबी और इस तरह की पूरी गैंगे पूरी तरह से कुव्वत के साथ शामिल हो चुकी थी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चले ये दोनों कौमें तो वो थी जिनके पास दीन नहीं था, तहजीब नहीं थी, रूहानियत नहीं थी, आसमान की जिंदा तालीमात नहीं थी। वो कौमें जिनके पास तौरात थी, जिनके पास इंजील थी, उस रोम की क्या हालत थी? रोमन एम्पायर कहने को बहुत बड़ी हुकूमत थी लेकिन वो पूरी की पूरी रूमी हुकूमत ईसाई होने के बावजूद
अपने मुखालिफों पे, सियासी मुखालिफों पे ऐसे ऐसे जुल्म करती थी। एक दो नक्शे में आपके सामने खींचता हूं, बकायदा रोम के अंदर आज भी अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अमेरिका की बरतानिया की छपी हुई उठा लें तो आज भी आपको मिलेगा कि बकायदा वहां हेरकुलियस के नाम से ऐसे अखाड़े बनाए हुए थे जिन अखाड़ों के अंदर इंसानों की आपस में कुश्तियां होती। कभी कभी बादशाहों का दिल चाहता तो उन अखाड़ों के अंदर नहत्ते इंसानों को फेंकते और फिर उनके ऊपर भूखे दरिंदे, भूखे शेर, भूखे चीते ला के छोड़ देते और वो जालिम बादशाह आंखों के सामने जब वो भूखे दरिंदे और शेर उन गुलामों की बोटियां नोचते और उनकी चीखें निकलती और उनके खून के फवारे फूटते तो उनकी चीखों के ऊपर भी रोज शराब पिया करते थे और औरतों को नचाया करते थे। रोम की यह सूरत हाल थी। फोकास नामी एक जर्नल था, उसने वक्त के रोमन एम्पायर के बादशाह की, जिसको कैसर कहा जाता था, उसकी थोड़ी सी मुखालफत की, सियासी मुखालफत के अंदर जब उसने उसके ऊपर कब्जा कर लिया तो फिर उसने उसके जो तीन बेटियां और पांच बेटे थे, पांच बेटों की लाशों को सरे बाजार चौक के अंदर लटकाया और उनके सरों की खोपड़ियों को हार के अंदाज में लोगों के लिए इबरत का निशान बनाया। कभी कभी तो अपने सियासी मुखालफ की खाल यूं उतरवाता था जैसे आप कुर्बानी के मौके पे जानवर की खाल उतारते हैं, और इस अंदाज में भी वो सजा दिया करता। एक बकायदा तारीख लिखती है कि उस बादशाह की जिसके ऊपर उसने फतह हासिल की, तीन बेटियों की जुबानों को खींचकर पीछे गुद्दी के साथ उसमें बांधा, फिर उनकी लाशों को घसीटा, कभी किसी सियासी मुखालिफ को यूं भी अजाब देता जिसको वो चोमेखा कहा करते थे, कश्तियों का अजाब, कि इसने मेरी मुखालफत की है। मुखालफत भी सियासी बुनियादों पे मुखालफत की है, पकड़ के लाया जाए, पकड़ के लाया जाता। दो कश्तियां उसने बनाई थी, एक कश्ती को नीचे रखता, दरमियान में मुखालिफ को रखता, दूसरी कश्ती को ऊपर जोड़ता, बनवाता इस अंदाज से कि कश्तियां एक दूसरे के ऊपर आ जाएं और उस सियासी मुखालिफ के बाजू और मुंह चेहरा ये बाहर रहने देता, ऊपर जोड़ के मल्लाह को बिठा के फिर कहता कि इसी तरह इसको समंदर में ले जाओ, जब चीखे मारते हुए उसके जिस्म से खून के फवारे फूटते और समुंदर के मगरमच्छ उसकी लाश को नोचते तो फिर वो ऐलान किया करता था कि मैं अपने मुखालफों का यही अंजाम किया करता। ज़हर अल फसाद फिल बर वल बहर बिमा कसबत अयदी नास अरहमुर राहिमीन रब्बुल आलमीन गफूरुन करीम। दुनिया के सब मंजरों को देख रहा था कि दुनिया को क्या हो गया है, गले सड़े लाशें, जुल्म इस्तेहसाल, इज्जतों का लूटना, डकैतियां मार पटाई, सियासी मुखालफों के साथ ये सलूक, इंसानों की तोहीन। उस अरहमुर राहिमीन की रहमत को जोश आता है, वो रहमान है ना, वो रहीम है ना, वो करीम है ना, वो वदूद है, वो करीब है, वो मुजीब है। जब उसकी रहमत को जोश आया, ऊपर वो रहमान था और जमीन पे उसने बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम को भेज दिया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, एक ऐसी शख्सियत को आमना के घर के अंदर एक ऐसे लाल को पैदा किया जिसने जन्म लिया, उंगलियां खोली, आंखें खोली, चला फिरा, बचपन से परेशान होने लग गया, या अल्लाह तू मालिक और तेरी जमीन पे ऊपर कैसे जुल्म हो रहे हैं। फिर वो सस्ताए बगैर बेताब हुए, कौनैन के ताजदार, आमिना के लाल,
इंसानियत की तड़प में बेचैन हुए, मुस्तरब हुए, इतने परेशान हुए, मक्का जाने वाले आज भी जानते हैं कि उस गारे हिरा जहां पे कौनैन के इमाम जाके अपनी परेशानियों के शिकवे अल्लाह के सामने पेश किया करते थे, अगर आपको वहां चढ़ने का मौका मिला हो, दो अढ़ाई घंटे की, एक डेढ़ घंटे की वो चढ़ाई, फिर वो मक्का के रेगजार, मक्का के संगसार, फिर उसकी वो दुश्वार गुजार घाटियां, फिर उसके अजीबो गरीब सिलसिले, इस परेशानी के आलम में मक्का को छोड़ के बाहर चलते, सोचते रहते, परेशान रहते कि अल्लाह तेरी बनी नोए इंसान, तेरे आदम के बेटों पे, आदम की बेटियों पे क्या क्यामत बीत रही है। गारे हिरा के अंदर कभी कभी सोचते सोचते कई दिन और कई रातें अपनी गार के अंदर सोच और परेशानी में गुजार दिया करते थे। كان يتحنس بحراء الليالي ذوات العدد اما عائشه الصديقه طاهره مطهره رضي الله تعالى عنها وارضاها بيان کرتی ہے کہ کونین کے امام غار حراء کے اندر کئی کئی راتیں توشہ سفر زادہ راہ سامان کھانے پینے کا معمولی ساتھ لے جاتے ہیں وہاں پریشان رہتے ہیں کبھی واپس آتے ہیں جیسے پریشانی کے عالم میں आदमी अपनी चादर ओढ़ लेता है, इस परेशानी के आलम में चादर को यूं ओढ़ के लेट जाते हैं, कभी अपनी कमली को अपने चेहरे के ऊपर रख के लेट जाते हैं इंसानियत के गम के अंदर। फिर अल्लाह का कुरान उतरता है, या अय्युहल मुज़म्मिल قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا। अल्लाह को उस कमली वाले पे ऐसा रहम आता है कि जिस उम्मत के गम में वो कमली को ओढ़ा करते थे, अल्लाह उस चादर और कमली के तस्करे को कुरान का हिस्सा बना देते हैं। या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ उम्मत के गम में अपनी चादर को ओढ़ने वाले, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ उम्मत के गम में परेशानी के आलम में अपनी कमली को लपेटने वाले, कौम फअंज़िर वरब्बका फकब्बिर वसियाबका फतहर वर्रुज्जा फहजुर वला तमनुन तस्तकथिर वलिरब्बिका फस्बिर फइज़ा नुक़िरा फिन्नाक़ूर फज़ालिका यौमइज़िन यौमुन असीर अलल काफिरीन गैरु यसीर। ए कमली वाले, सारी दुनिया वाले सोए हुए हैं, मैं तेरा रब कहता हूं तू उठ के खड़ा हो जा। फानजिर, दुनिया को वार्निंग दे दे। वरब्बका फकब्बिर, ईरान के बादशाह अपनी बढ़ाई पे आए बैठे हैं, रूम के बादशाह अपने आप को बड़ा समझते हैं, हिंदुस्तान के ब्राह्मण अपनी अजमत का डंका बजाते हैं, मुख्तलिफ मजहबी प्रोहत अपने अपने पांव के नीचे इंसानियत को जलील कर रहे हैं। ऐ मेरे महबूब पैगंबर, मैं तेरा रब तुझे कह रहा हूं, वरब्बका फकब्बिर, पूरी दुनिया में मेरे नाम को ऊंचा करने के लिए तू खड़ा हो जा। वरब्बका फकब्बिर वसियाबका फतहिर वरुज्जा फहजुर। सियाब का माना कपड़े भी होता है, और कपड़े इंसान का माहौल होते हैं, इंसान की सोच की तहजीब की अक्कासी करते हैं, इसलिए बाद मुफस्सरीन ने सियाब का माना माहौल और दिल की दुनिया भी किया है। सारी दुनिया गंद के अंदर डूब चुकी है, ऐ मेरे महबूब पैगंबर तू इसको पाक करने के लिए तैयार हो जा। वसियाब कफतहिर वर्रुज्जा फहजुर, हर तरफ गंदगी पलीदगी है, शिर्क बिदत है, मेरे हुक्मों की बगावत नाफरमानी है, वर्रुज्जा फहजुर, इन सारी गंदगियों से बायकाट करते हुए बस तो अब मेहनतें शुरू कर दे। वला तमनुन तस्तकसिर, इस रास्ते के अंदर थक हार के बैठना नहीं है। तमनुन तस्तकसिर, मन का एक मना मेहनत को खत्म करना और तोड़ना भी होता है। वला तमनुन तस्तकसिर, अपनी मेहनत को ज्यादा समझते हुए कभी बंद नहीं करना है। वला तमनुन तस्तकसिर, ज्यादा के लिए कभी एहसान भी नहीं जितलाना है। कहीं अल्लाह ने कहा वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث رب ذو الجلال نے کہا اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قسم ہے زحا کی پتہ ہے زحا کسے کہتے ہیں رات کی تاریکیاں ہوتی ہیں اندھیرے ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے صبح کا سپیدہ سحر طلوع ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے سورج کی کرنیں پھوٹتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے لالگی سی پھیلتی ہے پھر کیا ہوتا ہے ہلکی ہلکی سفیدی روشنی پھیلتی ہے پھر کیا ہوتا ہے سورج اور اوپر جاتا ہے پھر اندھیرے چھٹ جاتے ہیں رب ذوالجلال نے اپنے پیغمبر سے کہا والضحا واللیل اذا سجا مجھے قسم ہے جس طرح رات کے اندھیروں کے بعد صبح کا سورج آ کے اندھیروں کو ختم کر دیتا ہے اے میرے پیغمبر تیرا سورج نکلنے والا ہے اندھیرے ختم ہونے والے والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرہ خیر لک من الاولى ولسوف یعطیک ربک فترضى الم یجدک یتیما فآوى ووجدک ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث غار حراء سے یہ نور پھوٹا یہ کرنیں نکلی روشنی پھیلی سراج منیر طلوع ہوا ایک نئی رونق ایک نئی چمک ایک نئی دنیا ایک نیا نعرہ ایک نیا سلوگن ایک نیا وین ایک نیا نظریہ ایک نیا سسٹم ایک نیا نظام ایک نئی زندگی ایک نیا ماحول پیدا ہونا شروع ہوا ان بڑے بڑے پروہتوں کو بڑے بڑے نمائندوں کو بڑے بڑے بادشاہوں کو بڑے بڑے ظالموں کو راس نہ آیا آپ فرعون کی چوٹیوں پہ کھڑے ہوئے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم کہہ دو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے مخالفت آئی تلواریں اٹھیں نیزے اٹھے تانے برسے تیر چلے گالیاں آئیں طلاقیں ملیں زخم لگے خون کے فوارے پھوٹے پتھر پھینکے گئے پتھراؤ ہوا بلال کو گسیٹا گیا سمیہ کے دو لخت کیے گئے خبیب کو سولی کے پھندے پہ لٹکایا گیا کسی کو بوری کے اندر بند کر کے بان کے اوپر سے سزائیں دی گئیں کونین کے تاجدار کے چہرے انور پہ تھوکنے کی ناپاک جسارتیں کی گئیں 13 سال اس ماحول کے اندر گزر گئے محنتیں کرتے رہے کوشش کرتے رہے توحید کا پیغام لے کے نکلے ایجنڈا ایک ہی سامنے رکھا انسانیت کی خیر خواہی لا الہ الا اللہ توحید کی پہچان لوگوں کو انسانوں کی ٹھوکروں سے ان کے درباروں مزاروں سے ان کے مختلف گدیوں سے اور ان کے سجدوں سے نکال کے اللہ کی چوکھٹ پہ اللہ کے دربار پہ اللہ کی مسجد میں اللہ کے گھروں میں درمیان کے تعلق ختم کر کے براہ راست اللہ کے ساتھ لوگوں کا تعلق قائم کرنے کی یہ تحریک لا الہ الا اللہ اس کا آغاز ہوا 13 سال تک مکہ کے مشرک ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے پھر کیا ہوا ہجرت کی اجازت ملی مدینہ منورہ روانہ ہو گئے ایک نیا ماحول مل گیا ایک نیا شہر مل گیا ایک نیا نئے در و دیوار مل گئے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی صفہ کا چبوترہ بنا مسجد قباء کی بنیادیں رکھی گئیں پھر بھی ان کو صبر نہ آیا تقریباً 400 کلومیٹر کا فاصلہ مکہ اور مدینہ کے درمیان اور مکہ کے مشرق اتنے ضدی ہیں کہ 400 کلومیٹر کا فاصلہ کر کے مدینہ لڑنے پہنچ گئے پھر کونین کے تاجدار نے
तलवार उठाई, बदर का मैदान सजा, फिर उहद का मैदान सजा, फिर खंदक का मैदान लगा, फिर तबूक का मारका हुआ, फिर फतेह मक्का का सिलसिला, और ये सारे के सारे मारके इस कदर ज्यादा आपको सताया गया कि 82 जंगे इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तलवार हाथ में लेके लड़नी पड़ी, 63 बड़ी बड़ी झड़पें हुई और 19 जो है बड़ी बड़ी जंगे हुई, जो बड़ी बड़ी जंगे जिनके अंदर आप खुद शामिल थे उनको गजवात कहा जाता है, 19 हुए, और जो झड़पें हुई जिनमें आप शामिल न थे, सहाबा के छोटे काफले भेजे, उनको सरिया, और सरिया की जमा सराया है, 63 वो, 19 ये, और इन जंगों के नतीजे में सिर्फ और सिर्फ 259 मुसलमान शहीद हुए और 759 काफिर मारे गए। टोटल तकरीबन 1018 इंसानी जाने, कुछ शहीद हुई, कुछ जहन्नम रसीद हुई। 23 साल का अरसा गुजरा और 23 साल के अरसे के बाद दुनिया का माहौल तब्दील हो चुका था, बिल्कुल तब्दील। अब उस तब्दील शुदा माहौल की तरफ आए, 19 गजवा, 63 सराया, 13 साल मक्का में, 10 साल मदीना में, 1018 टोटल इंसानी जाने इस्तेमाल में आई, काम में आई, कुछ शहादतों में लग गए और कुछ जहन्नम नसीब हुए, और तब्दीली कितनी आई। 23 साल ये जनाबे अबू बकर के दौरे खिलाफत, तकरीबन 2.5 साल जनाबे उमरे फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर, तकरीबन 10 साल, वो भी अगर 7 अब शामिल कर ले तो 33 साल के अंदर इमाम कायनात जो फारान की चोटियों से अकेले उठे थे, और जिनके आने से पहले ईरान का बादशाह यजदगर दोम अपनी बेटी के साथ मुंह काला कर रहा था, और बहरान चौवी अपनी बहन के साथ शादी रचा रहा था, और ठीक 23 या 35 साल के बाद दुनिया ने इस तारीख इंसानी के अंदर इतनी बड़ी चेंज, इतनी बड़ी रेवोल्यूशन, इतना बड़ा इंकलाब, इतनी बड़ी तब्दीली देखी कि अब काफिर की बेटी भी आती थी तो कौनैन के ताजदार की कमली उसके नीचे बिछ जाती थी कि बेटी आई है, किसी की इज्जत आई है, किसी की बहू आई है, किसी की बहन आई है, तब्दीली इतनी बड़ी आ गई। कहां वो इज्जतों के लुटेरे थे, कहां वो माहौल था कि ईरान के बादशाह के महल के अंदर कोई दाखिल होता तो उसकी चौखट पर सजदा करता था, और अब इतनी बड़ी तब्दीली आई। तकरीबन 35 लाख मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर उमरे फारूक हुकूमत कर रहा है, और ये सैयद उमरे फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु वारजा की 35 लाख मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर हुक्मरानी करने वाला फारूक वहां ईरान का बादशाह बैठता है तो उसके सर के ऊपर 2.5 मन का ताज सोने का, और उसकी चौखट पे सजदे हैं, और यहां कौनैन के ताजदार का गुलाम जब खलीफा बनता है तो नंगी जमीन के ऊपर लेट जाता है, एक ईंट को अपना सराना बना लेता है, आसमान को अपनी छत बना लेता है, और इस लेटे हुए उमर के साथ दुनिया का परले दर्जे का जालिम कब कबाता है कि कहीं अगर मैंने बगावत की तो मोहम्मद के गुलाम मुझे माफ नहीं फरमाएंगे। इतनी बड़ी तब्दीली दुनिया के अंदर रूनमा हो चुकी है। कहां हिंदुस्तान का वो माहौल है कि ब्राह्मण, खत्री और शूदर और वेश की चार जाते हैं, ब्राह्मण और शूदर इकट्ठे नहीं बैठ सकते, और चंद सालों के गुजरने के बाद कौनैन के ताजदार ने दुनिया के अंदर ऐसी तब्दीली पैदा कर दी है कि वो बिलाल काला कलोटा मोटे होंठों वाला, बर्तन साफ करने वाला, घर की सफाइयां करने वाला, हाथ में झाड़ू पकड़ने वाला, बिकने बकाने वाला,
उसके किरदार की वजह से भी उसकी इतनी अजमत बन जाती है कि जब वो मक्का की जमीन पे चलता है, मदीना की सरजमीन पे कदम रखता है, तो चलता जमीन पे है और उसके कदमों की आहटें जन्नत के अंदर सुनाई देती है। बिलाल, सुहैब, खुबैब, अम्मार, आले यासर और कुरैश के सरदार और शहजादे एक जगह पे इकट्ठे बैठ जाते हैं। एक नई दुनिया, एक नया समाज, एक नई सोसाइटी, एक नया मुआशरा, एक नया माहौल जन्म लेता है आखिरी 5-7 मिनट के अंदर। मेरे नौजवानों, नई बादी के खुसूसन नौजवान भाइयों, मैं आपके सामने ये पैगाम रखना चाहता हूं कि हम उस पैगंबर के उम्मती हैं जिन्होंने दुनिया को यह सबक सिखाया, इतनी मेहनतों के साथ सिखाया। 1 लाख से ज्यादा इज्तिमा और गैदरिंग हज्जतुल वदा के मौके पे जमा हुआ और आपने कहा अला हल बल्लग्तु, अला हल बल्लग्तु, सुनो मुझे बता दो क्या मैंने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया है। बल्लग्ता व अदैता व नसहता, आपने पहुंचाया ही नहीं, आपने तो पहुंचाने का हक अदा कर दिया है। फिर वो उम्मत का झंडा हमारे हवाले कर गए, एक ऐसी खेत तैयार करके गए। मैं हैरान होता हूं, ये बड़ा अहम और छुपता हुआ सवाल है और ये मेरा आप लोगों से सवाल है। आपने अपने जमीन पे दस्तक देके इसका जवाब देना होगा। कौनैन का ताजदार, हमें तो वो पैगंबर मिला था जो उंगली उठाता था तो चांद के दो टुकड़े हो जाते थे, जो आंख के इशारे करता था तो रब्बुल आलमीन उसकी आहों फगाहों से, दुआओं इशारों से किबले को तब्दील कर देता था। उसकी लुआब दहन के अंदर शहद से ज्यादा मिठास का समा होता था, उसकी उंगलियों के अंदर चश्मे और पानी की नहरें और नदियों के सिलसिले रवा हो जाते थे, कंकर भी उसके हाथ में आते थे तो उसकी अजमत के तराने गाते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद करते थे। रोटी के नवाले भी कौनैन के ताजदार के दस्तरखान पे जमाते थे तो उनके अंदर से भी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह की आवाजें आती थी। उनके कदम ओहद के पहाड़ के ऊपर भी पड़ते थे और जब वो झूमने लगता तो कहते उसमो रुक जा, क्या हो गया तुझे, तो वो भी आपकी मान लेता था। जानवर को भी इशारा करते तो भी सर निगुण होकर झुक जाता था। दरख्त को भी कौनैन के इमाम इशारा करते थे तो वो चलते हुए आपके पास आ जाता था। खजूर के गोशों को भी अगर आपने इशारा किया तो जामे तिर्मिजी की सही हदीस बताती है कि वो भी वहां से उतर उतर के कौनैन के ताजदार की झोली में गिर पड़ता था। अगर एक सूखे तने से भी आप यूं टेक लगा के खुतबा देते थे, जब उससे जुदा होते तो आपकी जुदाई में बिलखते हुए बच्चे की तरह वो भी रोने लगता था। मैं नई वादी के नौजवानों से और अपने आप से पूछना चाहता हूँ, कौनैन के ईमान की बातें चांद तो मान जाता था, पत्थर भी मान जाता था, ऊंट भी मान जाता था, कुत्ते भी उनके इशारों पे उनके हुक्मों की तमील करते हुए, दरिंदे भी बाज दफा उनके दुश्मनों को चीरने फाड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। सूखा तना भी आपसे मोहब्बत करता था, पत्थर भी आपके इशारे को पाके थम जाता था। सवाल यह है कि नई बागी का नौजवान उस कौनैन के ताजदार की बातों को क्यों नहीं मानता है। अगर हम ये कहते हैं हमारा पैगंबर वो पैगंबर है जिसके इशारों से चांद दो टुकड़े हो जाता था, क्या तुम चांद से अपने आप को ऊंचा समझते हो। अगर हम ये कहते हैं कि उसके एक बोल से पत्थर भी थम जाता था और वो झुक के आपको सलाम करता था, मेरा ईमान और अकीदा है और नई वादी के नौजवानों और राजोवाल के बासियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या तुम्हारे सीनों के अंदर पत्थर से भी ज्यादा सख्त दिल आ गया है कि जिसकी मानने के लिए बस तुम तैयार नहीं होते हो। अगर हम ये कहते हैं कि कौनैन के ताजदार की बातें तो इस कदर अजीम होती थी
कि जंगल के दरिंदे भी उनको मान जाते थे, तो मैं पूछना चाहता हूं बड़ी माजरत के साथ कि क्या हम उन दरिंदों से भी बड़े दरिंदे बन गए हैं कि हम आपकी बातें मानने के लिए तैयार नहीं होते। हसन इब्ने सीरीन और इमाम हसन बसरी रहिमहुल्लाह ताला कहा करते थे, मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें तो अल्लाह ने वो पैगंबर दिया था जिसकी जुदाई के गम में खुश्क तनों के अंदर से रोने की आवाजें आती थी, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अपने पैगंबर की जुदाई में रोते क्यों नहीं हो, तुम उनके लिए जीते और उनके लिए मरते मरने का समान पैदा क्यों नहीं करते हो। अगर आप वही माहौल चाहते हैं, अगर आप वही तब्दीली चाहते हैं, अगर आप आज भी दुखी इंसानियत के जख्मों पे मरहम रखना चाहते हैं, अगर आज हम भी कौनैन के ताजदार के सही वारिस और रहमत आलम के सही उम्मत ही बनना चाहते हैं, तो बस वही माहौल ताजा करना होगा, वही यादें दोहरानी होगी, वही तस्वीरें सामने लानी होगी, वही नक्शे खींचने होंगे। एक सहाबी बैठा है, कहा तूने सोने की अंगूठी पहनी हुई है, हाथ से पकड़ा उतार के नीचे रख दी, आप तशरीफ ले गए, दोस्त कहने लगे सोना है बड़ा कीमती है, सोने की अंगूठी है उठा लो ना, अगर तुम नहीं पहन सकते किसी औरत को, बीवी को, बहन को, बेटी को, किसी अजीजा को, खातून को दे देना, औरतों के लिए तो पहनना जायज है ना, मर्दों के लिए मना है। कैफा खुज़ खातमन तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौनैन के इमाम ने जिस अंगूठी को मेरे हाथों से पकड़ के उतार के नीचे रख दिया है, जीते जी जब तक जिंदगी है इस अंगूठी को मेरा हाथ नहीं लग सकता है, मैं इसे कैसे उठा सकता हूं। बैठ जाओ की आवाजें आई और वो जूतों के ऊपर ही बैठ गए। ऐसे इशारे यानस ने शराब के जाम पिला रहे हैं, अभी शराब हराम नहीं हुई, प्याले हाथ के अंदर है, जाम उठे हुए हैं, लब प्यासे हैं, महफिल सजी है, बादा खारी है, मैं खारी का माहौल है, मैं खाना आबाद है, आवाज आती है अल्लाह के पैगंबर ने आमिना के लाल ने शराब को हराम कर दिया है, वो शराब के जाम जो यूं लब के पास पहुंचे थे उसी मौके पे जमीन पे पटक दिए जाते हैं। इसे कौनैन के ताजदार की उम्मती बनने की सही हकीकत कहा करते हैं, इसी की आज जरूरत है। वो हमारे लिए तड़पते रहे, वो हमारे लिए मेहनतें करते रहे, जख्मी होते रहे, लहूलुहान होते रहे, दुआएं करते रहे। आपकी तो हकीकी औलाद में से कोई बेटा जवान तक नहीं था, मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम मा तरक दिरहमन वला दिनारन, पूरी जिंदगी मेहनत की है, रातें बिस्तरों पे जाग के गुजारी है, गारे हिरा के सफर काटे हैं, सौर की सऊबतें बर्दाश्त की है, उहद के मैदान के अंदर दंडान को शहीद करवाया है, दुनिया से गए एक दिरहम एक दिनार भी अपने घर के अंदर वरासत में छोड़ के नहीं गए हैं। किसके लिए सारा कुछ करते रहे, हमारी खातिर ही करते रहे। इंसान इंसान बन जाए, ये जहन्नम का ईंधन बनने से बच जाए, ये जन्नत के वारिस बन जाए, तो आइए हमें भी तो उनके कुछ हुकूक अदा करना होंगे ना, उनसे मोहब्बत, उनकी सुन्नतों से मोहब्बत, उनकी लाई हुई तालीमात पे अमल, उनके कुरान से मोहब्बत, सही बुखारी का मुताला, सही मुस्लिम का मुताला, सीरतुल नबी का मुताला, कौनैन के ताजदार की जिंदगी और सुन्नतों को अपनाना, नमाज की पाबंदी, जकात की अदायगी, रमजान के रोजे, दीन के लिए उठ खड़े होना और आपसे मोहब्बतों के हक अदा करना, अगर नौजवानों ये कर लोगे तो कौनैन के ताजदार हौज़े कौसर पे तुम्हारा इंतजार करेंगे, इस्तकबाल करेंगे, अपने हाथों से पानी पिलाएंगे और जन्नत में उनका दीदार उनका साथ नसीब हो जाएगा। अगर हम ये न कर सके तो फिर रास्ता कोई और होगा, फिर कहा जाएगा सुहकन सुहकन लिमन गैर आबादी, इनको दूर ले जाओ, इन्होंने मेरे दीन को बदल दिया था। अलामा इकबाल की इस बात पे मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, वो कहा करते थे रोज महशर कर तुम्हें बेनी हिसाबन ना गुजीर अज़ निगाह मुस्तफा।
فَنْهَا بَغِیر اے اللہ قیامت کے دن جب تو میرا حساب لینے لگے میں اپنی ماں کے سامنے ذلیل ہو جاؤں برداشت کر لوں گا اپنے باپ کے سامنے ذلیل ہو جاؤں برداشت کر لوں گا اپنے استاد کے سامنے ذلیل ہو جاؤں برداشت کر لوں گا اے اللہ میرا تجھ سے سوال ہے کہ کملی والے اور کونین کے تاجدار کی آنکھوں کے سامنے اقبال کو ذلیل نہ کرنا رسوا نہ کرنا کہیں وہ نہ کہہ دے کہ اس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا کہیں وہ نہ کہہ دے اس نے میری سنتوں کو ذبح کیا تھا کہیں وہ نہ کہہ دے اس نے میرے دین کو بدلا تھا کہیں وہ نہ کہہ دے اے اللہ انہوں نے میرے دین کے ساتھ بے وفائی کی تھی اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سچ معنی میں حقیقی معنی میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے سمجھانے عمل کرنے اور دنیا میں پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین